रिया फंसती चली जा रही हैं। शुक्रवार को सीबीआई ने रिया चक्रवर्ती पर शिकंजा कसते हुए 10 घंटे तक पूछताछ की और अब रिया पर गिरफ्तारी की तलवार लटकती हुई दिख रही है। एक रिपोर्ट आप देखिए। सीबीआई की जांच का 8वां दिन, जांच एजेंसियों का शिकंजा, सुशांत केस की आरोपी नंबर 1, सीबीआई के चक्रव्यूह में रिया। सुशांत सिंह राजपूत की रहस्यमयी मौत की गुत्थी सुलझाने में जुटी सीबीआई ने 8वें दिन अपना सबसे बड़ा दांव चला और इस केस की सबसे बड़ी आरोपी रिया चक्रवर्ती को पूछताछ के लिए बुलाया और यही कारण है कि सीबीआई लगातार अपनी जांच तेज करती जा रही है और आज पूरे देश, हालांकि पिछले 70 से 75 दिनों से लगातार मांग करता रहा था कि कब रिया को बुलाया जाए, कब पूछताछ किया जाएगा। आखिरकार वह दिन आज आ गया कि रिया ने यहां पर आने को मजबूर होना पड़ा रिया को, और रिया आई और उनसे पूछताछ लगातार सीबीआई कर रही है और एक दो नहीं कई सवालों का जवाब उन्हें देना पड़ रहा है। सवाल ऐसे हैं, काफी तल्ख सवाल हैं और उन सवालों के जवाब कहीं देते हुए कई बार ऐसा हो रहा है कि कहीं कई सवाल का जवाब जो है वह सही से नहीं दे पा रही हैं, वह रुक रही हैं, उन्हें सही कई बार ये बोल रही हैं कि उन्हें याद नहीं आ रहा है, लेकिन उन्हें समझना चाहिए कि यह जो पूछताछ है यह मुंबई पुलिस नहीं कर रही है बल्कि देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी सीबीआई कर रही है। इसलिए उन तमाम सवालों के जवाब सीबीआई को रिया को तो देने ही पड़ेंगे। सुबह 10:30 बजे जैसे ही रिया चक्रवर्ती अपने भाई शौविक चक्रवर्ती के साथ डीआरडीओ गेस्ट हाउस पहुंची, उसका सामना सीबीआई से पहले मीडिया से हो गया। मीडिया को देखकर रिया को इतना गुस्सा आया कि उसने कोहनी से कैमरे को मारने की कोशिश की और ये तस्वीर कैमरे में कैद हो गई। रिया चक्रवर्ती पर कस चुका है सीबीआई का शिकंजा। आखिरकार आज 8वें दिन सीबीआई ने रिया को बुला ही लिया और उनसे लगातार पूछताछ कर रही है। एक दो घंटे नहीं, सुबह 11 बजे से लेकर लगातार रिया से पूछताछ चल रही है, लंबी पूछताछ हो रही है। पूछताछ एक दो सवालों से नहीं बल्कि 250 से अधिक सवालों से पूछताछ हो रही है। यही वह डीआरडीओ गेस्ट हाउस है जो सीबीआई का सुशांत मामले को लेकर एक बड़ा केंद्र बना हुआ है और इसी जगह पर पिछले 8 दिनों से हर उस शख्स से पूछताछ की जा रही है जो सुशांत की जो मौत हुई है उसमें या तो गवाह रहा है यानी वहां साथ में मौजूद रहा है या फिर वह उसका कहीं कहीं सीधे लेना या देना है। सीबीआई की पूछताछ से पहले रिया का यह रवैया कई सवाल खड़े कर गया, क्योंकि जब ईडी ने रिया को पूछताछ के लिए बुलाया था तब वो बिल्कुल शांत थी, तो सीबीआई की पूछताछ से पहले रिया को क्या हो गया? क्या सीबीआई के नाम से रिया डर गई है? क्योंकि हाल ही में एक निजी चैनल को दिए इंटरव्यू में रिया ने अपने और सुशांत के बारे में कई खुलासे किए हैं। ऐसा करके रिया ने लोगों की सिंपैथी हासिल करने के लिए एक बड़ा विक्टिम कार्ड खेला है, क्योंकि अब रिया का सीबीआई के चक्रव्यूह में फंसना तय है। सीबीआई ने रिया से पूछताछ के लिए कि सुशांत सिंह राजपूत और उनकी बहनों के परिवार के बीच में काफी अच्छा कनेक्शन था, लेकिन आज जब डीआरडीओ के दफ्तर में रिया चक्रवर्ती पहुंच चुकी है तो खुद इस पूरे केस की, इस पूरे मामलात की जांच करने वाली एसपी नुपुर प्रसाद अकेले बैठकर रिया चक्रवर्ती से उनके सारे स्टेटमेंट्स को खंगाल रही हैं, क्योंकि रिया चक्रवर्ती के जो स्टेटमेंट हैं वो काफी ज्यादा बड़े खुलासे करने के लिए काफी हैं। इसलिए आज नुपुर प्रसाद ने खुद पूरा चार्ज लिया है और खुद रिया चक्रवर्ती से सारी चीजों को खंगाल रही है, जिसमें पारिवारिक बहस, रिलेशनशिप, साथ ही साथ उनका प्यार, उनकी यूरोप की ट्रिप और भी ड्रग्स का एंगल, डिप्रेशन का एंगल भी सामने आएगा। नुपुर जिस तरह की तेज तरार अफसर मानी जाती है उसको देखकर ये माना जा रहा है कि रिया उनके सामने कुछ भी छिपा नहीं पाएगी। कौन है नुपुर प्रसाद?
आपको बता दें कि नुपुर प्रसाद 2007 बैच की एजीएम यूटी कैडर की आईपीएस हैं। वो दिल्ली के शहादरा की डीसीपी भी रह चुकी हैं। सीबीआई में उनका अपॉइंटमेंट 2019 में हुआ था। इस केस में सबकी निगाहें अब नुपुर प्रसाद पर होंगी, क्योंकि सुशांत की मौत को 75 दिन बीतने के बाद पहली बार इस केस में सारी कड़ियां जुड़ती हुई नजर आ रही हैं। और जल्द सुशांत केस में एक बड़ा खुलासा हो सकता है, क्योंकि रिया से सीबीआई की पूछताछ बता रही है कि रिया सीबीआई के चक्रव्यूह में फंस चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।